नमस्ते दोस्तों, जैसा कल हमने वाइंडिंग के बारे में पता किया है, जो पिछला वीडियो था सीरीज में, कि एक सुपरविजन में हमें एक सुपरवाइजर को किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे रिंग फ्रेम डिपार्टमेंट में। जैसे रिंग फ्रेम डिपार्टमेंट जो है, जैसा हमें पता है कि इसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये है, पहला ऑब्जेक्ट है कि रोविंग जो से धागा बनाना, दूसरा यह है कि उसमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ देना, और तीसरा यह है कि एक पैकेज बनाना, सुटेबल पैकेज, सो दैट इट कैन बी रन इन द वाइंडिंग डिपार्टमेंट। अब दोस्तों, जो बेसिक प्रिंसिपल इन तीनों में यूज होते हैं, दैट इज द ड्राफ्टिंग, ट्विस्टिंग एंड वाइंडिंग। अब सुपरवाइजर जो है, उसके अंदर क्या चीज़ों को उसे देखना चाहिए, तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं कि सबसे पहले जो किसी भी डिपार्टमेंट को स्मूथ चलाने के लिए, उसमें अच्छी चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो सुपरवाइजर है, ही शुड कम हाफ एन आवर अर्लियर फ्रॉम हिज शिफ्ट। जब वो आध घंटा पहले आता है तो उसके पास टाइम होता है लॉग बुक पढ़ने का, क्योंकि लॉग बुक आप सब लोग जानते हैं कि एक मीडियम होता है जिसके जरिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, या हमें पता होता है आउटगोइंग सुपरवाइजर से कि कौन सा अकाउंट चेंज हो रहा है, किसमें ट्रेवलर चेंज करने हैं, कौन सा इंस्ट्रक्शन होती है कि किस प्रकार से हमें जो है अपनी रणनीति बनानी है। दूसरा यह है कि जब वो डिपार्टमेंट के अंदर जाए तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो आउटगोइंग शिफ्ट है उसके कितने हैंक्स आए हैं, उसके लिए हैंक मीटर होते हैं, हैंक मीटर ABC अकॉर्डिंग टू शिफ्ट, तो वो हमें ध्यान में रखने होते हैं कि भाई जो शिफ्ट है आउटगोइंग शिफ्ट, वो अपनी शिफ्ट का जो हैंक मीटर है उसी से वो जो है हैंक को नोट करे, या कोई हैंक काम नहीं कर रहा, हैंक मीटर काम नहीं कर रहा। तीसरा यह है कि राउंड लेते हुए जो है साफ सफाई देखनी पड़ती है, डॉफ पोजीशंस देखनी पड़ती है कि कौन सा डॉफ आने वाला है, कौन सा गिरने वाला है, बॉबिन पोजीशन क्या है, हमारी जो रोविंग है रॉ मटेरियल पोजीशन क्या है। तीसरा यह है कि जो वाइंडिंग से जो खाली बॉबिन जो आ रही हैं उनका क्या है, कौन सी मशीन बंद पड़ी हुई है, ब्रेकेज में क्या है, किस मशीन के अंदर जो है स्पेयर पार्ट्स की कमी है या पार्ट मिसिंग है, कोई ओवरहेड ब्लोअर क्या काम कर रहे हैं। हम राउंड लेते हुए जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी बात चेक करते हैं कि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि रीजन क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट जो होता है, ये नहीं है कि अगर 8 बजे शिफ्ट है तो सिर्फ 8 बजे ही हमें पता लगेगा कि क्या है। हम जब पहले आ जाते हैं तो वर्कर्स भी पहले आके अपनी मशीन पे खड़े हो जाते हैं, और वो अपनी मशीन का चार्ज वर्कर टू वर्कर चार्ज लेते हैं, जॉबर अपना जॉबर से चार्ज लेता है, और सुपरवाइजर अपने सुपरवाइजर से चार्ज लेते हैं। अब इन चीज़ों को लेते हुए जब हमें चार्ज मिल गया, हमें मशीन का वो बता रख गया, और हमें पता लग गया कि डॉपर्स हमारे कम है या ज़्यादा है, तो आप एक बेटर प्लानिंग से जो है चल पड़ सकते हैं। अब जब प्रोडक्शन आपकी आ गई तो फिर आप उसके बाद जो है, जब मतलब है शिफ्ट आपकी स्टार्ट होगी, तो उस दौरान में यू हैव टू सी कि भाई हमारे जो डॉफ जो है कोई डॉफ लेट ना निकले, हर डॉफ समय पे निकल जाए, जो आपने टाइम फिक्स कर रखा है 2.5 मिनट्स या 3 मिनट्स के अंदर अंदर गिरे। साथ ही साथ आइडल स्पिंडल कितनी चल रही है उसके बारे में कंट्रोल करना पड़ रहा है। आजकल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीटर हमारे पास आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरियाज जिनके अंदर जो है स्पिंडल टू इंडिविजुअल स्पिंडल को भी मॉनिटर करा जा सकता है, और इसमें राउंड लेने के बजाय अगर आप ऑफिस में भी होंगे तो आपको ये पता है आइडल स्पिंडल कितने हैं, मगर जो मशीन पे जाके जब आप देखते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें जो है पता लगती हैं। हमें कलर कोड पता होना चाहिए कि कौन सा कलर कोड जो है किस मशीन पे चल रहा है, उसकी बॉबिन्स अवेलेबल हैं या नहीं है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि एंड ब्रेकेज रेट क्या है, अगर मशीन के अंदर एंड ब्रेकेज बड़ा हुआ है, या हमें ये पता लग रहा है कि भाई स्टार्टअप ब्रेकेज ज़्यादा है या डॉफ पे टाइम ब्रेकेज है, तो वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन। कोई भी डॉफ जो है वो हाई स्टार्टेड नहीं होना चाहिए, कोई भी डॉफ
आने से पहले उसको जो है जल्दी अर्ली डॉफिंग नहीं होनी चाहिए। अगर डी शेप बॉबिन मिल रही है तो उनपे हमें अटैक करना पड़ेगा। जब हम राउंड ले रहे हैं तो शिफ्ट जब स्टार्ट होगी तो उस समय हर डॉफर के पास, हर कारीगर के पास, हर स्वीपर के पास जो साफ करने वाला है, दे शुड हैव ए डॉफ, उनके पास पीसर बैग होने चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है जो हमने सेफ्टी डिवाइसेस हमने यूज कर रखे हैं, दैट इज द वर्कर के पास जो है मशीन साफ करने के पास लिए जो है उसके पास सिलाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि टूल्स जो है, प्रॉपर टूल्स जो डॉफर के पास होते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं, क्योंकि कॉटन के अंदर जो है डॉफ के ऊपर जो है जो लैपिंग हो जाती है आपके फ्रंट रोल के ऊपर, उसको काटने के लिए वो जो है लिक्रिन वायर से जो है वो नाइफ बना लेते हैं, जबकि नाइफ शुड नॉट बी यूज्ड, क्योंकि जब आप उस नाइफ से, चाकू से उसे काटते हैं लैपिंग को, तो उससे जो है उस पर मार्क हो जाते हैं, आपकी अनइवननेस बढ़ जाती है एंड ब्रेकेज बढ़ जाते हैं, और रोलर को जो है वो हमें बफिंग करना पड़ता है बार बार जो है उसके लिए। अब इन चीजों को देखते हुए प्रेशर सही होना चाहिए। जो हमें ये भी ध्यान में रखना है जो मशीन की निर्धारित स्पीड है या स्लो स्पीड टाइम हमने जो सेट कर रखा है उसी स्पीड पे जो है वो काम करे। कई लोग जस्ट फॉर प्रोडक्शन से हम स्लो स्पीड ही जो है हटा देते हैं, उससे स्टार्टअप ब्रेकेजेस आपके बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ हमें जो है अपना रिंग फ्रेम में, क्योंकि वाइंडिंग इज द मिरर इमेज ऑफ रिंग फ्रेम डिपार्टमेंट, तो अपना एक डॉफ ले जाके अगर हम वहां पे उसके ब्रेकेजेस या बॉबिन रिजेक्शन चेक करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा मटेरियल में, हमारा जो रिंग फ्रेम में जो बॉबिन है उसमें किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है। मशीन के अंदर कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो इमिजिएटली इन्फॉर्म करें और साथ ही साथ उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का जो है करें। तो ब्रेकेजेस, आइडल स्पिंडल, और इसके लिए मैंने जो बताया कि वाइंडिंग में जाके अगर हम डॉफ अपना चेक करेंगे और बॉबिन रिजेक्शन हम चेक करेंगे तो हमें उसमें पता लग जाएगा कि कौन सी बॉबिन जो है वो खराब है। अब साथ ही साथ इसके साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो चीज एक सुपरवाइजर को देखनी होती है, दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट। क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट मैंने देखा है कि ज्यादातर हम शिफ्ट चेंज में जब आती है, जब शिफ्ट चेंज होने का टाइम है, और उस समय वो रिपोर्ट को जो है देख रहा होता है। कोशिश ये करें कि जब भी कोई रिपोर्ट चेक हो तो तुरंत ही उस पर जो है उसको जाके, इवन इन क्वालिटी कंट्रोल यू कैन गो और वहां पे चेक करेंगे भाई ये रिपोर्ट क्या आ रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन यू टेक करेक्टिव एक्शन। अगर हम सिर्फ रिपोर्ट्स को साइन करने के हिसाब से रखेंगे दोस्तों, तो मेरा ख्याल है कि मशीन हमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकेगी। और इसके लिए हमें और जो ज्यादा जरूरी है कि अपने जो है मशीन का राउंड का टाइम आप निर्धारित करें जिस समय डॉफ आ रहे हैं, ओवरहेड डोर जो है वो लगातार काम करने चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर डार्क शेड जो है वो लाइट शेड के साथ चल रहा है तो प्रॉपर कर्टन जो है दे शुड बी प्लेस्ड। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो मेरे निर्धारित मशीनें सफाई पे हैं, जो जिन मशीनों का नंबर मुझे डॉफिंग क्लीनिंग करनी है या जो क्लियर जिनके हमें क्लियर करने हैं, साफ करने हैं, तो उन्हें हमें सफाई करनी पड़ेगी, देके जाना चाहिए। और इसके लिए एक पॉइंट जो है और मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेवलर जो है कि हर उसके अंदर रिंग फ्रेम के अंदर एक ट्रेवलर जो है बकेट, एक ट्रेवलर कटोरी जो है वो रखी पड़ी होती है। तो जब काउंट चेंज हो तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो जो ट्रेवलर जो पड़ा हुआ है, कोई रिमेनिंग ट्रेवलर पहले वाला ना रह जाए, और जहां तक हो सके जो ट्रेवलर नीचे गिर भी जाते हैं तो उनको जो है ट्रेवलर ट्रॉली एक आती है मैग्नेटिक ट्रॉली, उससे जो है उसे उठा लिया जाए। क्योंकि जब हम बोंडा या जो भी हम जो है मतलब क्लियर वेस्ट जब नीचे डालते हैं और उसे आपको सॉफ्ट वेस्ट जो है ब्लोरूम में ऐड करना है दोबारा, तो उससे क्या होगा, तो मशीन डैमेज और आग लगने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो एक अच्छा सुपरवाइजर जो है ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो, और अगर वो ध्यान रखेगा तो डेफिनेटली
यू वॉन्ट गेट द क्वालिटी प्रॉब्लम, हमें अपने वर्कर्स की स्किल जो है अगर पता हो कि हम बता लगाएंगे वर्कर्स को मशीन पे तो हमें पता होना चाहिए। और एक चीज दोस्तों, जाने से पहले मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा डिसीजन लेना होता है कि मशीन बंद करनी पड़ती है पावर शॉर्टेज के कारण, लेबर शॉर्टेज के कारण। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जो हाईली जो आपकी वैल्यू एडेड जो मशीनें हैं जिनसे हमें जो है एक्स्ट्रा वो मिलता है पैसा, तो कोशिश ये करें कि उन मशीन को बंद ना करें, उनके अलावा कोई ऐसी मशीन बंद करें जो आपको कम प्रॉफिट दे रही है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है ये बंद करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा, और इन टिप्स पे अगर लगातार अगर हम काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम लोग एक अच्छी क्वालिटी जो है बनाने में सफल होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।